सारे भारतवासियों और नेपालवासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन बनाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जैसे कि थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन सी वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूँ। जी हाँ, पॉल सा का एक और सॉन्ग आ गया जिसका नाम है त्योपल। जी हाँ, अगर इसको हिंदी में करें तो वो पल या वो लम्हे भी बोल सकते हैं। तो बैक टू बैक पॉल सा के गाने आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे काफी सारे डीएम्स आ रहे थे और मेरे को वो सॉन्ग का लिंक भी भेज रहे थे कि आप सर प्लीज इस पर रिएक्शन करो। तो कल ये सॉन्ग आया तो मैं रिएक्शन नहीं कर पाया, तो मैंने आज टाइम निकाला, मैंने कहा आज रिएक्शन करना है भाई इसका। और आपको बता दूं कि पॉल सा का एक और सॉन्ग आया था तिमी छौ रहता, वो अभी तक का सबसे फेवरेट गाना बन चुका है मेरा। उसके लिरिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। जी हाँ, उसमें लिरिक्स क्या थे मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिरिक्स ये थे कि आंसू पोंछने के लिए तुम हो इसलिए रोने का मन करता है, मनाने के लिए तुम हो इसलिए रिसाने का मन करता है, मतलब नाराज होने का मन करता है। तो बैक टू बैक सॉन्ग पे सॉन्ग आई जा रहे हैं और मैं रिएक्शन पे रिएक्शन करा जा रहा हूँ। तो पॉल सा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना हमेशा। पूरी जनता का सपोर्ट आपके साथ है और मेरा भी सपोर्ट आपके साथ है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं त्योपल ऑफिशियल सॉन्ग। 1 2 3 एंड स्टार्ट। पॉल सा ऑफिशियल, मतलब पॉल सा के यूट्यूब चैनल पे ये गाना अपलोड हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। कोई दुकान है। ओके ये लड़की वो ये जो पॉल सा के गाने में मतलब पहले से होती है, ज्यादातर यही होते हैं मतलब। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा फोटो खिंचवाने हैं शायद। क्या बात है, जुन पल तिमी संगै हुन्छु। क्या बात है यार, किनकि तिमीलाई ए ड्रोन हेरी रहन्छु, तिमी भित्रै माता हराइ रहन्छु, तिमी भित्रै माता। नेपाल की खूबसूरती ड्रोन से ही दिखती है वैसे। ये अनु चौधरी ने नहीं गाया, कोई और है। तिम्रे कल्पना, और ये नहीं कि कोई सॉन्ग अच्छा नहीं है, सारे सॉन्ग अच्छे पॉल सा के यार। अच्छा यार ये ड्रोन मुझे भी लेना है, बहुत महंगा है लेकिन। ये अच्छा सिस्टम है वैसे। अच्छा वो उसमें देखेंगे। तारा रोजारो भने जो नहीं, दोनों की ड्रेस अच्छी लग रही है यार, ब्लैक व्हाइट। मुझे लग रहा है पॉल सा नेपाल के शाहरुख खान बन चुके हैं, तो रोमांस बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। फूल बिना को भमरा जस्ते यो मन पनि रुने छ रुने छ, त्यो पल हाय हाय आफैलाई हराउँछु म। आवाज इतनी प्यारी है लड़की की यार। तिमी टाढा हुन्छौ अच्छा वो देख रहे हैं, ये तरीका सही है रोमांस करने का पॉल सा जी। तिम्रे कल्पनामा हराइ रहन्छु, तिम्रे कल्पनामा कल्पि रहन्छु,
अच्छा फिर ड्रोन भेज रहे हैं। रोमांस करना सीखना पड़ेगा। सॉन्ग वैसे काफी लंबा है, 6 मिनट का सॉन्ग है। गर्मी बहुत है यार। पसीना तो नहीं आ रहा। आँखा भित्र राखु भने आँसू बनी झर्छौ कि झर्छौ कि क्या बात है। मन भित्र राखु भने अन्त कतै सर्छौ कि सर्छौ कि यार आँखों में रखोगे आँसू बन के तो नहीं गिर जाओगे, मन में रखोगे मन से कहीं और तो नहीं चले जाओगे। मतलब क्या मतलब देख रहे हो भाई, लेवल देख रहे हो नेपाली सॉन्ग का। यही तो खासियत है यार नेपाली सॉन्ग का। आफैलाई देख्दिन म जुन पल तिमी सँगै हुन्छु किनकि तिमीलाई म हेरिरहन्छु तिमी भित्रै म त हराइरहन्छु। अझ देख लिया उसने, देख लिया। तिमी भित्रै म त अच्छा वो ड्रोन में बांध के कुछ भेजा है, क्या बात है यार। ये तरीका कुछ अलग है रोमांस करने का। अच्छा फोटो खिंचवा के आए थे ना ये शायद। अच्छा नंबर भी दिया है क्या। खत्म। इसी के साथ ये वीडियो हुई हमारे समाप्त। सॉन्ग बहुत अच्छा था, बहुत बहुत बहुत। इसके लिरिक्स बहुत अच्छे थे और लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी थी और जो लड़के की आवाज़ थी वो बहुत अच्छी थी। तो पर्सनली मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। वैसे मेरा फेवरेट वैसे वो गाना बन चुका है तिमी छौरा था, क्योंकि मुझे वो गाना सबसे फेवरेट हो गया। मैं मतलब हेडफोन लगा के वही गाना सुनता हूँ, जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सॉन्ग। बाकी ये सॉन्ग भी अच्छा, ये भी सुनूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये सॉन्ग। मुझे तो बहुत पसंद आया। और पॉल शाह जी सैल्यूट है आपको यार, रोमांस करने का कुछ नया तरीका आपने दे दिया है। क्योंकि ड्रोन जो है ना उसमें मतलब हम देख भी सकते हैं कहाँ जा रहा है और उसमें कुछ बांध के भी दे सकते हैं। तो आपने फोटो दे दिया लड़की को, तो ये तरीका कुछ अच्छा। अब नेपाल के कई यंगस्टर्स मेरे ख्याल से यही टेक्निक अपनाएंगे अपने गर्लफ्रेंड को तोहफा देने के लिए। तो ये अच्छी चीज़ थी। बाकी पॉल शाह जी एक बार और फिर से बोलना चाहूँगा। वैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आप अपने मैनेजर का नंबर या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM करवा दीजिए। मुझे इंडिया में मतलब चंडीगढ़ में एक इवेंट करवाना है जहाँ पर मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। और भी नेपाली कलाकारों को मैं करूंगा, लेकिन मुझे आपसे कांटेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तो प्लीज़ आप मुझे अपना नंबर या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM करें, हम वहाँ पे बात कर लेंगे। तो चलो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का भाई बहन का दोस्तों को अप्रोच करें मेरा भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंचे। और इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें यार। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय नेपाल, जय भारत।